बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सऊदी इन्फो। और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज से कोई 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा सिस्टम आ रहा है कि जितने भी लोग नए वीज़े पर सऊदी अरब में आएंगे या जो लोग पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, वो ऑनलाइन हुआ करेगा, उसकी तस्दीक हुआ करेगी और बाकायदा गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत करेगी। किसी किस्म का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जो लेबर लॉ के ख़िलाफ़ है। और इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है किसी कफील के साथ, किसी लेबर का या उसके किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हुआ करेंगे। तो उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए, तबसरे किए कि ये वीडियो झूठ है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए कि हमारे तो पहले ही ऑनलाइन हैं, हमारे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो हमारा कंपनी का अक्द है वो ऑलरेडी ऑनलाइन है, उसकी तस्दीक हुई है गवर्नमेंट इदारों से। तो उस पर मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो खबर जो है उस वक्त थी, उसके बाद चुप हो गई थी। ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ी, क्योंकि लोग कहते हैं कि झूठ, गवर्नमेंट के इदारे ऐलान करते हैं लेकिन वक्त आता है फिर वही कानून सामने आते हैं। तो ये वीडियो थी अप्रैल 2019 की, मैंने अपलोड की थी, तकरीबन 87,000 लोगों ने इसको देखा। 8 महीने पहले ये वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम आ रहा है। तो आज उर्दू न्यूज़ ने इस पर एक ख़बर छापी है, वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और कब तक ये सिस्टम आगे चलेगा और लोगों के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मकतब अमल में जितने भी केसेज़ आते हैं और वजारत अदल जो है उसके पास जितने भी केसेस आते हैं कफील के, वर्कर्स के, तो उनके पास कोई सबूत नहीं होते। लोग 10-10 साल, 15-15 साल काम कर लेते हैं लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले वाला ही चल रहा होता है जो पहली दफ़ा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया था। मसलन कोई उस वक्त आज से कोई 10 साल पहले अगर 2000 सैलरी पर आया था तो 10 साल बाद अभी उसकी सैलरी बढ़कर तकरीबन यानी 3,000-3,500 तक, 4,000 तक चली गई है। लेकिन जब केस अदालत में जाता है तो वर्कर कहता है कि मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन कफील पुराना लेटर लेके आ जाता है, वो कहते हैं जी आपकी सैलरी ये लिखी हुई है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तजदीद नहीं हुआ होता। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, उसके बाद तजदीद नहीं होता। तो वर्कर के पास भी कोई इस किस्म का सबूत नहीं होता कि वो कह सके कि मेरे पास ये सबूत है और मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट ये है। तो इसी वजह से ये मामला पेश आया है कि इन्होंने कानून चेंज किया है। एक वो ख़बर आज उर्दू न्यूज़ ने 8 नवंबर 2019 को छापी है जिसमें बताया गया है कि वज़ीर मेहनत और समाजी बहबूद आबादी ने कहा है कि निजी शोबे के मुलाज़मीन के मुआहदों को वजारत से मुंसलिक करके वर्क एग्रीमेंट डिजिटल तस्दीक कराई जाए। मनसूबे को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा बरस 2020 के अख्ताम तक तमाम मुआहदे वजारत मेहनत से जोड़ दिए जाएंगे। अरबी रोज़नामा अकाज के मुताबिक वज़ीर मेहनत की जानिब से मुलाजमत के मुआहदों की वजारत मेहनत से तस्दीक का मकसद फरीकैन के हकूक का तहफ्फुज़ है। मुआहदों की डिजिटल तस्दीक के हवाले से वज़ीर मेहनत अहमद अल राजी ने मज़ीद कहा कि कारकुनों के मुआहदों की डिजिटल तस्दीक से जहाँ काम का मेयार बुलंद होगा वहाँ आजिर और अजीर दोनों के हकूक की हिफाजत होगी। इस ज़मन में वजारत मेहनत की जानिब से खसूसी प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसके तहत कारकुनों के मुआहदे मुलाजमत की वजारत मेहनत की वेबसाइट से तस्दीक की जा सकेगी। वज़ीर मेहनत का कहना था कि मुमलिकत में काम करने वाले इदारों और कंपनियों को मरहलावार और इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा जिसमें कंपनी का हुजम और उसके कारकुनों की तादाद को देखते हुए उन्हें डेड लाइन जारी की जाएगी। दरअसना मकामी अखबार का कहना है कि वज़ीर मेहनत की जानिब से जारी किए जाने वाले कानून में कहा गया है कि बैरून मुल्क से नए आने वाले कारकुन या नए भर्ती होने वाले मकामी अफराद की मुलाजमत के मुआहदों को फौरी तौर पर वजारत मेहनत की वेबसाइट से तस्दीक कराया जा सकता है। पुराने कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट को वजारत मेहनत की वेबसाइट पर मरहलावार तस्दीक करने के लिए लाहे अमल जारी किया जाएगा। कारकुनों की मुलाजमत के मुआहदों की डिजिटल तस्दीक से लेबर कोर्ट्स में मुकदमात को हल करने में भी काफ़ी सहूलत होगी। डिजिटल तस्दीक से मुआहदे में जेल साजी का अंदेशा ख़त्म हो जाएगा जिससे फ्री कैन के हकूक भी महफूज होंगे।
جبکہ کارکنوں کو درپیش شکایات کا بھی ازالہ ہو سکے گا۔ واضح رہے مملکت میں لیبر لا کے تحت ورک ایگریمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بعض ادارے یا کمپنیاں اپنے کارکنوں کو ابتدائی معاہدہ دیتی ہیں، بعد میں اس کی تجدید نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اختلاف ہونے کی صورت میں عدالت میں پرانا معاہدہ ہی پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے کارکنوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب بھی آپ سعودیہ میں اگر آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں مستقبل قریب میں، تو اپنا کانٹریکٹ ضرور حاصل کیجئے، کانٹریکٹ ضرور لیا کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔